हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, BSSC इंटर लेवल का मेरिट अभी तक जारी नहीं हुआ है और आपको पता है कि मेरिट लिस्ट आयोग जारी करेगी, लेकिन इसका कोई समय सीमा नहीं दिया गया कि कब आयोग जारी करेगी मेरिट लिस्ट। छात्र इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जून के लास्ट में जो है मेरिट लिस्ट जारी कर सकती है आयोग, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी जो है छात्रों को भरोसा नहीं है कि आखिर सच में मेरिट जारी होगा या नहीं। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि सभी छात्र एक डेट फिक्स किए हैं 28 को, और वो शांति तरीके से आयोग के सामने जा करके अपना मेरिट का मांग करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग कोई आंदोलन नहीं करना है, अपना मांग रखना है, क्योंकि हम लोगों को मेरिट लिस्ट चाहिए और मेरिट लिस्ट हम लोग 8 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरिट लिस्ट की मांग के लिए शांतिपूर्वक सभी छात्रों को 28 को BSSC आयोग पहुँचना है, और जिसमें छात्र नेता दिलीप कुमार भी जो है शामिल होंगे। बहुत सारे छात्रों के द्वारा कॉल मैसेज किए जा रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, क्योंकि वो छात्र नेता जब दिलीप कुमार होंगे तभी सभी छात्रों की बातों को जो है गहनतापूर्वक आयोग लेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पहले ही अपने आंदोलन में पहले गए हैं, अपने सफल आंदोलन किया है, शांति तरीके से आंदोलन किया है, लेकिन वहाँ अगर कोई लीडर नहीं रहते हैं तो उस आंदोलन का कोई मतलब नहीं होता, छात्रों को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब छात्र नेता दिलीप कुमार होंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के जो है छात्र नेता दिलीप कुमार है, तो ये वहाँ जब होंगे तो फ्रेंड्स इनके बातों को जो है सही तरीके से लिया जाएगा और आयोग भी जो है चाहेगी जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, 28 को जो आंदोलन हो रहा है ये कोई उग्र आंदोलन हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग शांति तरीके से, सभी छात्र मेरिटधारी हैं, कोई भी छात्र गलत कदम नहीं उठाएंगे और अपना शांति तरीके से जो है बात रख करके और मेरिट लिस्ट के लिए मांग करेंगे। तो फ्रेंड्स, 28 को छात्र नेता दिलीप कुमार भी आ रहे हैं, लगातार इनको मैसेज कॉल किया जा रहा है। हो सकता है आज या कल जो है छात्र नेता दिलीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आकर के खुद ही जो है लाइव आकर के ये बताएंगे कि सभी छात्रों को आना है शांति तरीके से, क्योंकि हम लोग अब मेरिट का इंतजार करने, हम लोग सभी का नौकरी होने जा रहा है, तो हम लोग को जो है आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, अपना मांग सिर्फ रखना है जो कि हम लोग को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मेरिट पे हम लोग लगातार संघर्ष जारी रखे हैं और आयोग जब तक मेरिट लिस्ट नहीं जारी करती है संघर्ष जारी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।